हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज मैं आपके साथ तेल वाले आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अचार बिल्कुल उसी तरह से बनाया जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ। और इस अचार को बनाने के लिए हमको आमों को ना तो धूप में सुखाने की जरूरत है और ना ही पंखे के नीचे, और ना ही इसमें किसी प्रिजर्वेटिव का या सिरका का यूज किया है, और फिर भी ये अचार सालों साल टिकता है। इस अचार को हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, एक बार आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अचार बनाने के लिए हमने 1.5 किलो कच्चे आम लिए हैं। जब भी आप अचार के लिए आम चूज करें तो आम हमेशा थोड़ा टाइट होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। आम जरा सा भी अगर पका हुआ होगा तो उससे अचार आपका अच्छा नहीं बनेगा, अचार में थोड़ी मिठास आ जाएगी। और इसका ऊपर का जो छिलका है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस पर कोई दाग वगैरह ना हो। और आम थोड़ा पल्पी होना चाहिए, मीन्स इसके अंदर गूदा ज्यादा होना चाहिए। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को धो लेते हैं और धोने के बाद इसको पूरी तरह से सुखा लेते हैं। तो ये काम मैं कर चुकी हूँ, मैंने आम को अच्छी तरह से धोकर पूरी तरह से इसको सुखा लिया है। आम को काट लेते हैं। अगर आपके पास आम काटने का कोई साधन नहीं है तो आप बाजार से भी कटे हुए आम ले सकते हैं। ये एक बड़ा सा बर्तन मैंने ले लिया है इनको रखने के लिए। सबसे पहले हम आम के ऊपर जो डंठल वाला पोर्शन है उसको काट कर निकाल देते हैं। इसको जरूर निकाल देना चाहिए, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो अचार खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी आम हैं उन सबसे ऊपर का ये डंठल वाला पोर्शन हटा देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ही पीस हमको काट कर निकालना है। इसी तरह से हम बचे हुए सारे आम से भी डंठल वाला पोर्शन हटा देते हैं। अब हम आम को काट लेते हैं। ये नाइफ काफी शार्प है, इससे आम कट रहे हैं। आम में जाली पड़ने के बाद काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से काटिए। जब आम में जाली पड़ जाती है ना तो आम का अचार बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके नाइफ से जाली नहीं कट पा रही है तो आप ये साइड से गुठली को छोड़कर भी सिर्फ पल्प निकाल कर भी अचार बना सकते हैं। ये देखिए मैं कटा हुआ आम आपको दिखाती हूँ। ये आम के अंदर जो ये जाली होती है ना, ये काफी हार्ड हो जाती है, इसलिए काटने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये पल्प आप देख सकते हैं, इसमें पल्प कितना मोटा है। इसी तरह का आम आपको लेना है। सारे आम को हम इसी तरह से काट लेंगे और आम की जो गुठलियां हैं उनको हटा देंगे। अब आम को आप अपने मनपसंद साइज में छोटे या बड़े, जितने भी बड़े या छोटे पीस आपको रखने हैं वो आप काट सकते हो। आम काटने के बाद कटे हुए पीसेस को हम एक बोल में इकट्ठा करते जाते हैं और इसी तरह से बचे हुए सारे आम भी हम काट लेते हैं और इन गुठलियों को हम हटाते जाते हैं। वैसे इन गुठलियों से भी अचार बनाया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लेकिन अभी हम गुठलियों का अचार नहीं बना रहे हैं इसलिए गुठलियों को हटा देते हैं। सारे आम हमने काट लिए हैं और ये गुठलियां हैं, इनको हटा दिया है। इन आमों को हमको ना तो धूप में सुखाने की जरूरत है और ना ही हमें पंखे के नीचे इनको फैलाने की जरूरत है, सीधे ही हम इनका अचार बनाएंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग अचार में अच्छा स्वाद देती है और ये पाचन में भी अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हींग हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डाल देते हैं। हल्दी भी अचार में बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, ज्यादा हल्दी डालने से अचार का टेस्ट थोड़ा बिटर सा हो जाता है। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी है। अगर आप तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे तो अचार काफी तीखा होता है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ी सी मिर्चें आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें डालने से इसका कलर बहुत सुंदर आ जाता है अचार का, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये ज्यादा तीखी भी नहीं होती है। अगर आप इनको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैं इसमें सफेद नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैंने बाजार का पैकेट वाला नमक लिया है जो थोड़ा ज्यादा खारा होता है। अगर आप सादा नमक या डेली वाला नमक यूज कर रहे हो तो आप नमक थोड़ा ज्यादा इसमें डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, इसको मैं साबुत ही डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है। सौंफ 2 तरीके की आती है, एक बारीक वाली सौंफ आती है और एक मोटी वाली सौंफ आती है मसाले में जिसको यूज करते हैं। हमने जो मोटी वाली सौंफ है मसाले वाली उसको लेना है और सौंफ को हम दरदरा पीस लेंगे। और ये 2 टेबल स्पून हमने पीली सरसों ली है, इसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। अब हम सौंफ को भी इसमें डाल देते हैं और पीली सरसों को भी हम अचार में डाल देते हैं।
अब एक फ्राइंग पैन को हम गैस पर चढ़ा देते हैं और गैस की हीट को स्लो कर देते हैं। इस फ्राइंग पैन में हम 3 छोटी कटोरी सरसों का तेल डाल देते हैं। अचार के लिए हम सरसों का तेल ही यूज करेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में बना हुआ अचार ही सबसे अच्छा स्वाद देता है। तेल को हम तब तक गर्म होने देंगे जब तक तेल में से धुआं ना निकलने लगे। अब गैस की हीट को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम अचार में मसाला मिक्स कर लेते हैं। मैंने अचार में मंगरौली या जिसको कलौंजी भी बोलते हैं वो यूज नहीं की है, वो नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे घर में उसे कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें कलौंजी आप डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं अचार में मसाला मैंने कच्चा ही यूज किया है, मसाले को बिल्कुल भी भूना नहीं है। मैं इसमें गर्म तेल का यूज करूंगी, इसलिए इसमें मसाले को मैंने नहीं भूना है। गरम तेल में भी मसाला अपने आप भुन जाएगा, इसलिए हमने मसाले को नहीं भुना है। आप देख सकते हो अचार में मसाला काफी है, क्योंकि अचार में मसाला थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। मसाले को थोड़ी देर हमने धूप में सुखा लिया था, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर निकल गया था। अब ये इसमें अगर आप चाहें तो लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये मैंने सूखी 10 से 12 लाल मिर्चें ले ली हैं। वैसे तो मैंने मिर्चों को भी धूप में सुखा लिया था, लेकिन मिर्चों का मॉइस्चर अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, इसलिए मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इसमें मिर्चों को सूखा ही भून लेंगे। इसमें कोई तेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है और बस 1 से 2 मिनट इन मिर्चों को हम भून लेंगे। मिर्चों को हम लो मीडियम हीट पर ही भूनेंगे, बहुत हाई हीट पर हम इनको नहीं भूनेंगे। एक तो मिर्चें जल जाएंगी और ऊपर से मिर्चों का जो धसका है ना, वो बहुत जल्दी पूरे घर में फैल जाएगा, इससे बैठना मुश्किल हो जाएगा। मिर्चें भुन चुकी हैं, इनमें से हल्के हल्के खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं और मिर्चों को एक बोल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हो अचार में मसाला काफी है, क्योंकि अचार में मसाला थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है और मसाला फांकों के ऊपर अच्छे से बैठ चुका है। मिर्चें ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इसमें मिर्चें भी डाल देते हैं और इनको भी मिक्स कर देते हैं। अचार में डालने के बाद ये मिर्चें काफी खट्टी हो जाती हैं और जो खाने में बहुत ही स्वाद लगती हैं। आप देख सकते हो तेल भी गर्म हो चुका है और तेल में से धुआं निकल रहा है। अब हम गैस की हीट को बंद कर देते हैं और तेल को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। मतलब इतना ठंडा होने देंगे कि इसका धुआं दिखाई ना दे, क्योंकि अगर एकदम से इतना गर्म तेल हम अचार में डालेंगे तो अचार का मसाला जल जाएगा। तेल को रखे हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अभी भी तेल काफी गर्म है, आप देख सकते हो। अब इस तेल को हम अचार में डाल देते हैं और अचार को मिक्स कर देते हैं। अचार को एक्स्ट्रा पकाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको धूप में रखने की जरूरत है। इस तरह से बनाया हुआ अचार सालों साल खराब नहीं होता है, हमेशा जब भी आप खाओगे आपको लगेगा अचार ताजा बना हुआ है। अभी तेल थोड़ा गर्म है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सीधा मर्तवान में नहीं भरेंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे। हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े से हम इस अचार को ढक देंगे, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा। अगर हम किसी बर्तन से इसको ढकते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, अगर हम अचार को खुला छोड़ेंगे तो इसके अंदर कुछ गिर भी सकता है। आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप कॉटन का कोई भी साफ पतला कपड़ा ले सकते हो। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने ये एक मर्तवान ले लिया है। मर्तवान को मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके धूप में 2 दिन सुखा लिया है। अचार को स्टोर करने के लिए जो भी मर्तवान या बॉटल आप ले रहे हो वो गंदी ना हो, साफ होनी चाहिए और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से सुखा कर ही लें। और मर्तवान हमेशा कांच का ही लेना है। अचार को रखने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब हम अचार को चेक कर लेते हैं, ये देखिए अचार ठंडा हो चुका है। इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको मर्तवान में भर लेते हैं। इस तरह से पूरा अचार हमने मर्तवान में भर दिया है। एक मर्तवान में अचार आ नहीं रहा था, थोड़ा सा अचार बच गया था, उसको मैंने एक छोटे बोतल में भर लिया है। बोतल को भी मैंने साफ करके बिल्कुल सुखा लिया था, तभी इसमें अचार भरा है। मर्तवान में अचार भरते समय जो बाहर अचार लग गया था उसको किसी साफ कपड़े से या तो टिश्यू पेपर से साफ कर देते हैं। अभी हम इस अचार में तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन इसका मसाला फूलने में लगेगा। जब इसका मसाला फूल जाएगा और अचार थोड़ा गल भी जाएगा, उसके बाद हम अचार में तेल डालेंगे। अभी हम इसको बंद करके रख देते हैं और बीच बीच में इसको दिन में 1 से 2 बार इसको हिला देंगे। ये देखिए अचार को रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अचार काफी नीचे बैठ गया है। जब हमने इसको 2 दिन पहले भरा था तो मर्तवान ऊपर तक भरा हुआ था, अब ये मर्तवान थोड़ा आपको खाली दिख रहा होगा। और ये देखिए ये छोटी बोतल भी मैं आपको चेक करा देती हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं अचार नीचे बैठ चुका है।
एक साइड पे हमने अचार का तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हम स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करेंगे और जब तेल में से धुआं निकलने लगेगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। और अब इसमें से थोड़ा सा अचार मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। और मर्तवान में से अचार जब भी आपको निकालना हो उसके लिए आप हमेशा सूखी चम्मच का ही यूज करें। अब हम अचार के एक पीस को थोड़ा सा तोड़कर चेक कर लेते हैं कि हमारा अचार गल गया है या नहीं। ये देखिए, मैंने एक पीस को जरा सा तोड़ा है तो बड़े आराम से टूट रहा है। इट मीन्स अचार हमारा तैयार हो चुका है। ये दोनों पीस भी मैं वापस इसी में डाल देती हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तेल ठंडा हो चुका है, अब हम अचार में तेल डाल देते हैं। जब हमने अचार बनाया था तब हमने इसमें गरम तेल डाला था। अब जब हमारा अचार बन चुका है तब इसमें गरम तेल डालने की जरूरत नहीं है। अचार बनाने के लिए मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज करती हूँ क्योंकि सरसों के तेल से अचार ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। अचार में हम इतना तेल डालेंगे कि अचार उसमें पूरा डूब जाए। तेल हमेशा अचार से 1 से 2 उंगली ऊपर रहना चाहिए, आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। और अब एक चम्मच से या फोक से अचार को नीचे दबा देंगे और ये आप देख सकते हो कि तेल अचार से कितना ऊपर है। इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप अचार बनाएंगे तो अचार सालों साल खराब नहीं होगा। अब ये अचार खाने के लिए तैयार है। इसे आप ढक्कन लगाकर रख दीजिए और जब भी आपका मन करे आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। ये छोटी बर्नी वाले अचार में भी हम तेल डाल देते हैं। अगर आपको ताजा ताजा खाना है तो आप 1-2 दिन भले तेल इसमें ना डालें, 1-2 बार इसको रोजाना हिला दें तो अचार आपका खराब नहीं होगा। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।